हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी लेट नाइट थॉट्स के लिए। देखें कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। सो ये एक जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। और आपने रीडिंग देखने से पहले अपना और अपने पर्सन का नाम लेना है, साथ ही जिस भी ईश्वर को आप मानते हो आपने उनको याद करना है, और अपने इष्ट देव को ज़रूर से याद करना है, ठीक है? चलिए अभी देख लेते हैं कि आपके पर्सन के लेट नाइट थाट्स आपके लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं हमारे व्यूवर्स इस पर्सन के बारे में सोच के रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री। ओके, सबसे पहले है डोर टू वैल्यू की एनर्जी। वी हैव मजिशियन इन द मिरर। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। Blossoming abundance. Community. Walking away. Door to romance and the sun energy. Bottom of the deck से the world energy. चलिए इन्हें clarify करते हैं, और clarify करके मैं आपको बताती हूँ कि क्या energies हैं यहाँ पर, ठीक है? चलिए इस डेक को ना मुझे थोड़ा सा ज़्यादा शफल करना पड़ेगा, बिकॉज मैंने इसकी एनर्जी क्लींस की थी। ऑलराइट, डोर टू वैल्यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। डोर टू वैल्यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, यहाँ पर आया द स्टार एनर्जी। देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना थोड़े लाइक एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये दिखाई देते हैं कि ये पैसों के पीछे बहुत भाग रहे थे, अपने करियर के पीछे बहुत भाग रहे थे, या बहुत ज़्यादा पैसों को, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को बहुत ज़्यादा वैल्यू देना, ये चीज़ें इनकी रही हैं। ऐसा मुझे दिखाई देता है कि इनकी लाइफ में ना मटेरियलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा मायने रख रही थी, पैसे ज़्यादा मायने रख रहे थे, ये यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। देखिए गाइज, मैं ना यहाँ पर कुछ ऐसा देख रही हूँ कि शायद इस चीज़ की वजह से, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ है, इनकी वजह से इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन वो नहीं कर पाए जो उनको कर जो एफर्ट देने चाहिए थे, जो टाइम देना चाहिए था। काफ़ी रूड एंड प्रैक्टिकल, और कहते ना कि सिर्फ एक चीज़ की वैल्यू दूसरों की नहीं है, दूसरे की नहीं है,
मानते हैं कि करियर इंपॉर्टेंट है, मानते हैं कि पैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन लाइफ में ना हर चीज़ इंपॉर्टेंट है और हर चीज़ में बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट वो कहते हैं ना कि आपके पर्सन ने ना पैसों को, करियर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, रिलेशनशिप को नहीं दी। तो वैसी कुछ एनर्जी दिखाई देती है। अभी मैं यहाँ पर देख रही हूँ इनकी, देखो अगर मैं लेट नाइट एनर्जी की तरफ जाऊँ तो लेट नाइट एनर्जी मुझे बताती है कि आपके पर्सन जो है वो लेट नाइट उनके थॉट्स में यही दिखाई देता है कि वो आपके साथ एक तो बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को, प्लस मुझे ये भी दिखाई देता है कि हीलिंग एनर्जी दिखाई देती है कि आपके पर्सन चीज़ों को हील करने के बारे में सोचते हैं लेट नाइट, ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा नज़र आ रहा है कि जो इनको चाहिए था या जैसा चाहिए था शायद वो कर रहे हैं करियर में या कर चुके हैं, लेकिन अभी शायद वो कहते हैं ना सडनली इनको याद आया कि अरे मेरा रिलेशनशिप भी है और मैं उसको ख़राब कर चुका हूँ या उसमें मैंने गड़बड़ कर दी है। तो यू नो, एक हीलिंग एनर्जी आई है कि आपके पर्सन इस रिश्ते को हील करने के बारे में सोच रहे, इस रिश्ते में बैलेंस लाने के बारे में सोच रहे हैं और जो भी चीज़ें ख़राब की हैं या जो आपको हर्ट किया है उसको ये हील कर सके उसके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। इनकी विशेस बहुत सारी हैं, ओके, इनकी विशेस बहुत सारी हैं ये मुझे दिखाई देता है, जिसमें से एक जो ये करियर में करना चाहते, एक तो विश इनकी वो है और दूसरी हो आप, ठीक है, ये क्लियर है। यहाँ पर है एक्वेरियस कुंभ राशि। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास मजिशियन इन द मिरर। मजिशियन इन द मिरर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए न्यूज। मजिशियन इन द मिरर, सारे कार्ड्स आके ऐसे गिर रहे हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, मुझे यहाँ पर ऐसे लग रहा है शायद आप सेल्फ लव कर रहे हो, ओके, सेल्फ लव कर रहे हो और सेल्फ लव देखो हमेशा रिजल्ट देता है। मैं आपको बता देती हूँ, सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ लव करना शुरू किया और उसमें पता है क्या होता है, जब हम सेल्फ लव नहीं कर रहे होते तो हम लोगों के पीछे, चीज़ों के पीछे भाग रहे होते हैं और जब हम सेल्फ लव करना शुरू कर देते हैं तो लोग हमारे पीछे भाग रहे होते हैं, चीज़ें हमारे पीछे भाग रही होती हैं। तो सेल्फ लव इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ओके। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपके पर्सन, क्योंकि द मजिशियन इन द मिरर है, उसी के साथ यहाँ पर येन एंड यंग की एनर्जी अगर आप देखें तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी गाइस कि आपके जो पर्सन है आपके साथ जो है एक डीप सा कनेक्शन महसूस करते हैं, जो कि मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। दूसरा, यहाँ पर नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, और नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये बताती है कि आपकी फ़ोटोज़ वगैरह अगर इनके पास हैं तो वो बहुत देखते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि आप ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, तो ये आपकी ग्रो को भी देख रहे हैं, आप जो आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, आप जो अपने ऊपर काम कर रहे हो, आई थिंक ये उसको भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। और मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन हैं उनको जैसे कि हम आईना दिखना होता है ना कुछ चीज़ों में, मतलब आईना दिखना, तो मेरा बोलना यहाँ पर ठीक नहीं रहेगा क्योंकि वो वाली एनर्जी नहीं है, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि किसी तरीके की क्लियरिटी, ठीक है, इस रिश्ते को लेकर के, आपको लेकर के, या आपके लिए कोई माइंडसेट इनका चेंज हुआ है, ठीक है, आपको लेकर के जो एक सोच बनी हुई थी उसमें कुछ बदलाव आए हैं, कुछ क्लियरिटी इनको मिली है, लाइक यू नो मुझे लग रहा है आपके बारे में कुछ और सोचते थे या उसमें बदलाव आ गया या इनका एक भ्रम टूट गया, ऐसा कुछ, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पर नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है तो ये मुझे ये बताती है कि शायद आप एक इमोशनल पर्सन हुआ करते थे, क्योंकि आप ना प्यार के चक्कर में ना अपनी रिस्पेक्ट देख रहे थे ना, आप जो है ये देख रहे थे कि सामने वाला क्या कर रहा है, बस एफर्ट डालने में लगे रहते थे, आपने कभी ईगो नहीं लाया, आपने कभी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट या रिस्पेक्ट की नहीं सोची, जस्ट आप एफर्ट्स डालते रहे। तो लोगों को पता क्या होता है कि एक सबकॉन्शियसली ना एक चीज़ बैठ जाती है कि ये ऐसे ही है, लाइक यू नो इसको कहते हैं ना कि जो अपनी इज्जत नहीं करता उसकी लोग इज्जत नहीं करते, लेकिन ये चीज़ नहीं देखी गई कि भाई सामने वाला मुझसे कितना प्यार कर रहा है, या वो ये सारी चीज़ें, या ये अपनी अगर रिस्पेक्ट भी छोड़ रहा है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी छोड़ रहा है, तो सिर्फ इस प्यार के खातिर वो ये चीज़ नहीं देख रहे, वो ये चीज़ देख लाइक उनके दिमाग में चीज़ बैठा कि यू नो होता है एक इंसान का ऐसा हो जाता है कि यार इसका ऐसे ही है, राइट, यू नो लाइटली ले लेना, ग्रांटेड ले लेना,
बट अभी जब आपने खुद को संभाला, सेल्फ लव वाली एनर्जी में गए, सो कहीं ना कहीं इस पर्सन को महसूस हो रहा है कि भाई ये तो मेरी गलत फहमी थी. एक होता है ना कि रियलिटी दिखना, कि भाई वो जो भी हो रहा था वो प्यार के चक्कर में हो रहा था, वरना ये भाव भी नहीं देते. तो एक होता है ना कि आपके लिए एक सोच बदल गई, कि पहले तो ये सोचते कि इसका तो ऐसे ही है, और अभी एक सोच ये आ रही है कि नहीं भाई वो सिर्फ प्यार में था. मतलब वो क्लियरिटी मिलना, क्योंकि जो ग्रांटेड ले रहे थे ना चीज़ों को, इनको समझ में आ रहा है कि बेवकूफ़ आपने ये थे. ठीक है, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब आपके पर्सन को आपकी वैल्यू ना हो रही हो ना, आपके प्यार की वैल्यू ना हो रही हो ना, तो उनको उनके हाल पर छोड़ दो, उनके पीछे भागना बंद कर दो. ठीक है, अपने ऊपर फोकस करो, अपने सेल्फ लव वाली एनर्जी में जाओ. उनका और कॉल मैसेज आ भी जाए तो अपनी प्रायोरिटीज़ को मत चेंज करो, कि सारा काम छोड़ के आप उनको मैसेज करने में लगे हो, सारा काम छोड़ के आप उनको उनका कॉल पिक कर रहे हो या कॉल बैक करने में लगे हो. नहीं, आप मेरा काम ख़त्म कर लूँ, देन उसके बाद कर लूँगी जो भी करना है, तो वो चीज़ होनी चाहिए. बट जब आप दोनों के रिलेशनशिप में चीज़ें अच्छी चल रही है, शुरू शुरू में आप रिलेशनशिप में आए हो, तो नहीं करना है ऐसा. ठीक है, रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, शुरू शुरू में आए हो, आप सोच रहे हो कि तब हम ऐसे करते जाए, नहीं तब नहीं करो. तब आप एफर्ट डालो कनेक्शन में, उसको अच्छे से हैंडल करो. आप चाहे तो उसको प्रायोरिटी पे रखो, बट सामने वाला जब वैल्यू ना करे ना, तो उसको कहते ना कि सर पे बिठाए लेकिन सर से उतारना भी आपको आना चाहिए. ठीक है, तो मैं तब कह रही हूँ जब आपकी पर्सन चीज़ों को ग्रांटेड लेने लगे, देन आपने ये चीज़ करनी है. लेकिन शुरू शुरू में रिलेशनशिप में जा रहे हो, एफर्ट डालो, वहाँ ही अगर ये चीज़ें कर दी तो रिलेशनशिप शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, तो शुरू शुरू में नहीं करना, लेकिन जब चीज़ों को कोई वैल्यू नहीं कर रहा, देन फिर ज़रूरी हो जाता है करना. ठीक है, यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि. डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए. पेज ऑफ वंड्स, आपकी पर्सन खुद आपको कॉल मैसेज करेंगे. देखो ये कार्ड बताता है, ये पर्सन खुद ब खुद करेगा आपको कॉल मैसेज. ठीक है, अगर इस पर्सन ने बोला मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास काम बहुत है, या मुझे बात नहीं करनी अभी, या मैं नहीं कर सकता, ऐसा अगर कोई इशू हुआ है एंड इन्होंने बहुत अकड़ दिखाई है और ज़्यादातर ध्यान करियर और उन पर दिया है, एक पर्सन खुद ब खुद आएगा आपकी तरफ. क्योंकि पेज ऑफ वॉन्स की एनर्जी बताती है कि यस, इस बार मैसेज, कॉल, एक्शन आपके पर्सन की तरफ से ही आएगा. ठीक है, और यहाँ पर क्या है, पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस. मीन्स पहली चीज़ तो मैंने यहाँ पर जिक्र किया था हीलिंग का, कि आपके पर्सन सोच भी रहे हैं कि आपके साथ हील कर ले चीज़ों को. ठीक है, दूसरा यहाँ पर ये है कि आपसे इनको हीलिंग मिलती है, आपसे इनको हैप्पीनेस मिलती है. जब ये आपसे बात कर लेते हैं तो इनको बहुत सुकून रहता है. ठीक है, लाइक ऐसा लगता है कि यस, अभी लाइफ में कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की. ठीक है, तो वो एक हीलिंग देती है इनको, कम्प्लीशन वाली. दूसरा हैप्पीनेस, बात करके खुशी होती है इनको, एक अलग लेवल की खुशी होती है. ठीक है, सो यहाँ पर ऐसा है कि यस, इस पर्सन को आपसे बात करना अच्छा लगता है, इस पर्सन को आपके साथ रहना अच्छा लगता है, बट कभी कभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है और इमोशनली डिटैच हो जाता है. लेकिन थोड़े टाइम बाद ये पर्सन वैसे ही रिएक्ट करता है, मीन्स ऐसा दिखाई देता है. कभी कभी ये पर्सन बहुत प्यार जताता है, बहुत अटेंशन देता है, बट कभी कभी बिल्कुल दूर हो जाता है और समझ नहीं आता क्या हुआ है, घोस्ट कर देता है. तो ये पर्सन कभी कभी तो इमोशनली डिटैच हो जाते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं. और ये पर्सन खुद ब खुद करेंगे आपको कॉल मैसेज, और आप देखोगे कि वैसे ही बात कर रहे हैं. ठीक है, तो ऐसा कुछ है. यहाँ पर है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि. ब्लॉसमिंग अबंडेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए. एनीवेज, किंग ऑफ वॉन्स, देखो आपके पर्सन को ना आपकी तरफ बहुत स्ट्रांग अट्रैक्शन हो रही है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ. फिजिकल अट्रैक्शन भी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है. ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन भी है इस पर्सन को आपकी तरफ. दूसरा, ये कनेक्शन इनको अबंडेंस से भरा हुआ दिखाई दे रहा है. क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि आपके साथ एक तो इनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी है, मतलब इनको लगता है, हो सकता है आपका ये कि क्या कंपैटिबिलिटी, वो पर्सन तो खुद कोई एफर्ट ही डालता, बट इनको अच्छा लगता है. क्यों? क्योंकि ये रूल करते हैं, क्योंकि ये लीड करते हैं इस कनेक्शन को.
क्योंकि इस कनेक्शन में चीज़ें इनके अकॉर्डिंग होती है, इसलिए इनको महसूस होता है कि यस हमारा कनेक्शन अबंडेंट है। जिस दिन आपने इनकी बात मानना बंद कर दिया, जिस दिन आपने इनके जैसे चलना बंद कर दिया, उस दिन फिर इनका रियल नेचर देखने को मिलेगा आपको। और उस दिन आपको पता चलेगा कि फिर ये कितनी अंडरस्टैंडिंग आपके साथ बनाते हैं। बट जब तक आप इनकी बात को मानते हो और हर बात को मानते हो, तब तक ये पर्सन कहेगा कि इससे प्यारा कनेक्शन, इससे अबंडेंस से भरा हुआ कनेक्शन कोई हो नहीं सकता। और अभी भी इनको यही लगता है कि इस अबंडेंस से भरा हुआ आपके साथ कनेक्शन है और नहीं हो सकता किसी और के साथ। और मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जब तक इनकी चल रही है तब तक इनको ये कनेक्शन अबंडेंस से भरा हुआ लगेगा। जिस दिन इनकी नहीं चलेगी, उस दिन ही इनको लगेगा यार ये क्या हो गया मेरे कनेक्शन में, या फिर बहुत टॉक्सिक हो गया। तो इस पर्सन का यही है कि अपने हिसाब से चीज़ें हो रही हो, वही अबेंडेंस है, क्योंकि अबेंडेंस सबके लिए अलग अलग होती है। और मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है वो हैं थोड़े ज़िद्दी टाइप के पर्सन हैं, और अपनी बात रखना या अपनी बात मनवाना पसंद करते हैं। और वैसे में अगर आप इनकी हर बात मानते जाओगे तो इनको ये कनेक्शन अबेंडेंस से भरा हुआ ही नज़र आएगा। जिस दिन आपने ये कह दिया कि नहीं भाई मेरी बात चलेगी, उस दिन ही आप इनका रूप देख सकते हो। ठीक है, हाल फिलहाल अट्रैक्टेड है आपकी तरफ और ये कनेक्शन अबंडेंस से भरा हुआ नजर आ रहा है इनको। ठीक है, अगेन यहाँ पर एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस है, मेष सिंह और धनु राशि। कम्युनिटी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है जस्टिस, कम्युनिटी की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहे हैं जस्टिस की एनर्जी। देखो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन को ना शायद फैमिली, सोसाइटी, ये सारी चीज़ें बहुत फ़र्क डालती है उनके ऊपर। लाइक यू नो, कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी फैमिली, सोसाइटी, इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और उनके बारे में सोच के ही डिसीजन लेते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जिस तरीके से, मतलब जिस भी जो भी उनकी सोसाइटी है, जो भी आप उनको कह सकते हो कि जो भी सोच विचार के लोगों के साथ वो जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है इनके विचार उनसे नहीं मिलते हैं। ये चाहते हैं कि ये सही चीज़ों के लिए स्टैंड लें और गलत चीज़ों में ये मना करें। बट कई बार ही ना देखो, मतलब ऐसा दिखाई देता है कि ये सही चीज़ों के लिए जो है स्टैंड लेना चाहते हैं बट ले नहीं पाते। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि लव मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज इनकी सोसाइटी या इनकी फैमिली के हिसाब से गलत है, ठीक है मान लीजिए। लेकिन वहाँ पर इनका ओपिनियन अलग होगा, इनका ये होगा कि नहीं वो गलत नहीं है। अगर इंसान अच्छा है, अगर इंसान की सोच अच्छी है, तो इंटरकास्ट मैरिज में कोई गलत बात नहीं है, इंटरकास्ट मैरिज करना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। तो वही इनकी सोच होगी और कहीं ना कहीं ये उसका साथ भी देना चाहेंगे, उसके लिए स्टैंड भी लेना चाहेंगे कि यस ये गलत नहीं है। बट फैमिली एंड सोसाइटी का सोच करके ये सही का साथ नहीं दे पाते, सही के लिए ये स्टैंड नहीं ले पाते, ये मुझे दिखाई देता है। ओके, आई थिंक आप दोनों के बीच में भी ऐसे कुछ इश्यूज हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो मुझे अभी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर कुछ चीज़ें इनको परेशान करती है कि मैं सही के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा, जबकि ये सही चीज़ों के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं बट ये ले नहीं पा रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन लॉयर हो या फिर आप हो सकते हो, ठीक है, ये लॉयर हो सकते हैं, आप हो सकते हो, आप ऐसे कुछ लोग हीलर हो सकते हो क्योंकि वो भी एनर्जी दिखाई देती है, सो लॉयर हो सकते हो, उसके चांसेस हैं, ठीक है। वॉकिंग अवे की एनर्जी को, यहाँ पर है लिब्रा तुला राशि, वॉकिंग अवे की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। स्ट्रेंथ एनर्जी, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपकी ज़िंदगी से चले तो गए, वॉक अवे तो कर लिया इन्होंने, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब वापस आने के लिए ना बहुत ज़्यादा करेज चाहिए, बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हमारा ईगो अड़ जाता है, हमारा ईगो हर्ट होता है। एक बार हम किसी से बात करना बंद कर दें, ठीक है, किसी से बात करना बंद कर दें और फिर अगेन उससे बात स्टार्ट करनी है, तो थोड़ा ना हमें हेजिटेशन होती है। और मुझे यही दिखाई देता है
कि आपके पर्सन को भी ना थोड़ी हेजिटेशन है, लाइक यू नो वो बात करना चाहते हैं लेकिन थोड़ी हेजिटेट हो रहे हैं, थोड़े नर्वस हो रहे हैं, थोड़ा ईगो बीच में आ रहा है. सो वो करेज, वो स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपसे बात कर सके एंड आपको इन्फ्लुएंस कर सके. राइट, आपको लगेगा कि यू नो इन्फ्लुएंस मीन्स, मतलब आपको इन्फ्लुएंस इसलिए कि यू नो अपनी बातों से आपको इन्फ्लुएंस कर सके, आपका ट्रस्ट रिगेन कर सके, लाइक यू नो ये जो भी बात आपसे आके करे उसका इम्पैक्ट छोड़े हैं आपके ऊपर, ताकि आप सीधा सीधा इनको रिजेक्ट ना कर सको. कुछ ऐसी बातें करना जो कि पावरफुल हो या जो सच में इन्फ्लुएंस कर दे आपको और आप इनकी बात को मान लो. ठीक है, तो ये करने की एक तो सोच रहे हैं कि कैसे इन्फ्लुएंस किया जाए कि आप इनकी बातों में आ जाओ या इनकी बात मान लो. सेकंड चीज़, ये स्ट्रेंथ भी अपनी ला रहे, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपसे डील करें. ठीक है, लियो है सिंह राशि. डोर टू रोमेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स. यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स. मुझे लग रहा है कि प्यार के मामले में और इन सब के मामले में शायद ये पर्सन थोड़े से इनमेच्योर टाइप रहे हैं. मतलब इनकी आदत हो सकती है फ्लर्ट वगैरह करने की, हर किसी से बात कर लेने की. रिलेशनशिप तो 10 नहीं रखेंगे ये, बट आई थिंक ये फ्लर्ट वगैरह करना, औरों के साथ मस्ती मजाक करना, जैसे अगर ये लड़के हैं तो लड़कियों के साथ मस्ती मजाक और फ्लर्ट वगैरह करना, अगर ये लड़की हैं तो लड़कों के साथ करना, तो ऐसा मुझे दिखाई देता है. किस तरीके का थोड़ा इनका है कि लाइक यू नो ये आपकी एक्सपेक्टेशन है कि मेरा पर्सन ऐसा हो जो कि ये कह दे कि भाई मैं रिलेशनशिप में हूँ और मुझे कोई फ्लर्ट वगैरह नहीं करना है. जस्ट लाइक यू नो आप चाहते हो कि वो एक स्पेशल दर्जा आपके लिए रखें क्योंकि आप वैसा रखते हो उनके लिए. सो क्योंकि अगर आप ऐसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, इट मीन्स आप कहीं ना कहीं उनके लिए वैसा कर रहे हो, इसीलिए आप उम्मीद भी लगा रहे हो उनसे. सो आई थिंक कि ये वैसा नहीं कर पाते. ये कहते तो हैं कि आपके लिए सीरियस है, बट ये और जगह भी इनकी बातचीत रहती है, बट एक चीज़ बताऊँगी, कैजुअली रहती है. ठीक है, ये दोस्ती में ही अपना एंटरटेनमेंट निकाल लेते हैं और जब कोई सामने वाला सीरियस होने लगता है तो ये वहाँ से 9-2-11 हो लेते हैं, ये मुझे दिखाई देता है. हाल फिलहाल आपके लिए काफ़ी कुछ रोमांटिकली इनके मन में चल रहा है, खुराफाती सा, क्योंकि एक एनर्जेटिक एनर्जी है पेज की, है यंग एनर्जी से कहते हैं. सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं काफ़ी कुछ रोमांटिकली आपके लिए फील कर रहे हैं. और एक और मैसेज है, ये आपसे फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है. ठीक है, आपसे फेस टू फेस ये पर्सन मिलना चाहते हैं. यस, यहाँ पर है पेज ऑफ सॉरी कप्स की एनर्जी, यानी कि वाटर एनर्जी. कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस कर्क मीन और वृश्चिक राशि. द सन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स. द सन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए. एट ऑफ कप्स. मुझे यहाँ पर देखो एट ऑफ कप्स क्या है, डिटैचमेंट. ठीक है, आप तो वहीं खड़े हो, उसी जगह पर खड़े हो, बट शायद ये पर्सन उस जगह पर नहीं है, उस जगह से निकल गया. मतलब एक दिखाई देता है कि आपके पर्सन को डिटैचमेंट हुई थी, बट द सन एनर्जी ये बताते हैं कि नहीं, चीज़ें फिर से शुरू हो रही हैं. यहाँ पर कहीं ना कहीं अंधेरा है और यहाँ पर उतनी ब्राइटनेस है. जहाँ इतनी इसमें, इस कार्ड में जितनी डार्कनेस है, इस कार्ड में उतनी ब्राइटनेस है. मतलब कि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देते हैं कि आपकी पर्सन डिटैच हुए थे आपसे, लेकिन अब फिर से वो आपको मिस करने लगे हैं और फिर से आपकी तरफ अट्रैक्शन उनके बढ़ने लगे हैं. ख़ास तौर पर आपके लुक्स, आपकी ब्यूटी, फिज़िकल अट्रैक्शन मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई देती है. मे बी आपके बारे में फिज़िकली या इंटिमेसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है. बट हाँ, मैं ये कहूँगी कि एक टाइम पर ये इमोशनली डिटैच हुए थे, बट नाउ ये फिर से आपकी तरफ अटैच हो रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और आपकी, आप ये कह सकते हो कि यस, ये आपकी तरफ फिर से खींचे चले आ रहे हैं या आपके लिए फिर से फीलिंग्स आ रहे हैं इनके मन में. ओके, ऐसा दिखाई देता है. यहाँ पर अगेन कैंसर स्कॉर्पियन पाइसिस कर्क मीन और वृश्चिक राशि. द वर्ल्ड एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक से, जो कि मुझे ये बताती है, सबसे पहली चीज़ तो ये
कि ये पर्सन आपके साथ अपनी दुनिया देखते हैं और आपके साथ अपनी दुनिया बनाना भी चाहते हैं और आपके साथ एक लाइक यू नो पूरी दुनिया घूमना भी चाहते हैं, ठीक है। सेकंड यहाँ पर ये भी है, द वर्ल्ड एनर्जी है, इट मीन्स यहाँ पर साइकिल भी है, यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ टफ़ चीज़ें रहेंगी इस कनेक्शन में, सो वो मुझे दिखाई देते हैं। बाकी मैं इसको क्लियर करती हूँ और भी हमें यहाँ से मैसेज मिलेगा। द वर्ल्ड एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सेवन ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड एंड सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन यू नो, वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए गाइज यहाँ पर ना जितना पॉजिटिव ये कार्ड है उतना ही नेगेटिव ये कार्ड है, ठीक है। ये बहुत पॉजिटिव है, ये बहुत नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जीज टकरा गई हो ना, एक ऐसी एनर्जी इन दोनों ने कॉम्बिनेशन में बनाई है। यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी आपसे कि जितना भी इनके साथ आपकी जर्नी है, जो भी इनके साथ आपके साइकिल्स हैं, उसमें बहुत बार ये पर्सन आपसे झूठ भी बोलेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें आपके पीठ पीछे भी करेंगे, धोखा देंगे आपको, चीट करेंगे, झूठ भी बोलेंगे और ये घूम फिर के आपके पास आएंगे, ठीक है। सो मैं ये कहूँगी ये पर्सन जो है लॉयल नहीं है, ठीक है, या मैं कहूँ कि ये बहुत ज़्यादा सच बोलने वाले इंसान नहीं है। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जब इनको स्टैंड लेना होता है तो ये हमेशा राइट का स्टैंड लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर बातों को छुपाना, चीज़ों से भाग जाना, अपने फ़ायदे के बारे में सोचना, अपने आप को डिफेंस करने के लिए, अपने एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोल देना, पीठ पीछे काम करना कि किसको पता चल रहा है, और उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, कि लाइक आपके साथ रिलेशनशिप में है, आपसे चोरी छुपे किसी और से भी बात कर रहे हैं, बट उसके साथ रिलेशन नहीं है, बट चोरी छुपे बात कर रहे हैं, वो धोखा ही होता है। पीठ पीछे धोखा देना ये सोच के कि उसको क्या ही पता चलेगा, ठीक है। तो जो भी इनके साथ आपकी जर्नी होगी, जो भी इनके साथ आपका साइकिल होगा, उसमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। हो सकता है ऑलरेडी आप ये चीज़ें देख रहे हो, बट ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, मैं ये कहूँगी। और लेकिन हाँ, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट पर्सन नहीं है, ऑनेस्ट एंड लॉयल पर्सन नहीं है बहुत ज़्यादा, ये मैं ज़रूर कहूँगी, ठीक है, ओके। बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ बाबा हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए। ओके ओके, दोनों आना चाहते हैं, एक और मैसेज मैं लूँगी। डिवाइन वननेस यहाँ पर है, रीड द होली बुक्स, फेस रियलिटी, डिवाइन वननेस। देखिए बाबा, पहली चीज़ तो यहाँ पर फेस रियलिटी का मैसेज तो सबको ही पता है कि रियलिटी फेस करने के लिए बाबा कह रहे हैं, जो सच्चाई है, जो सच है उसको फेस करो, चाहे वो पेनफुल कितना ही हो, लेकिन सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। अब भ्रम की दुनिया में ना जिए, सच को एक्सेप्ट करें, ठीक है, रियलिटी को फेस करें। पहली चीज़ तो ये, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाएं कि आप रियलिटी को फेस कर सकें, ठीक है। भ्रम में रहने से अच्छा है कि हम सच्चाई को फेस कर लें, ओके। सो माइंडफुलनेस वाली एनर्जी है, माइंडफुलनेस में रहना कि ठीक है हम चीज़ों से भागते हैं, लेकिन ठीक है आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आप एक बार सोच लो भाई, अच्छे तरीके से सोच लो। आप सोचो कि नहीं मैनिफेस्ट हो जाएगा, नहीं, अगर आपको बार बार आ रहे हैं, वैसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, तो माइंडफुलनेस वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप फेस करोगे ना चीज़ों को, तो माइंडफुलनेस आ ही जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर है, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के साथ खुद को जोड़ो, मतलब स्पिरिचुअल बुक्स आप पढ़ सकते हो, मेनली हनुमान चालीसा। अगर आपका मन शांत नहीं रहता, मन बहुत ज़्यादा घबराता है, आपको डरावने सपने आते, डरते, आप रीड करो हनुमान चालीसा रोज़ सुबह शाम, ठीक है, आपके लिए अच्छा रहेगा। डिवाइन के साथ कनेक्ट हो आप, डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करो, उनके साथ दोस्ती बनाने की कोशिश करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप डिवाइन के साथ दोस्ती बनाते हो या दोस्ती बनाने की कोशिश करते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको डिवाइन के साथ, देखो यहाँ पर सभी धर्म के ना वो हैं, सिंबल्स हैं, जितने भी धर्म हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ना हमारा ये रहा स्वास्तिक, ओम है, ओम से ही सब निकला, और यहाँ पर स्वास्तिक है। सो मैं यही कहूँगी कि
अपने अपने ईश्वर के साथ कनेक्ट होइए, अपने ईश्वर से जुड़िए। आप यहाँ पर ये है, अपने ईश्वर के साथ, सुप्रीम पावर्स जो है उनके साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए। ऑल राइट, वो आपको हेल्प करेंगी आपकी लाइफ में। रियलिटी को फेस कीजिए, कुछ अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए। अच्छी अच्छी बुक्स मीन्स स्पिरिचुअल बुक्स आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज सेकेंड ऑप्शन दे देती हूँ, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो। आप नॉलेजेबल बुक्स पढ़ो जहाँ से आपको नॉलेज मिले, जिनको पढ़ के आपको सुकून मिले, ऐसी बुक्स पढ़ो। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।